यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। आपको बता दें 7,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1,164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सॉल्वर गैंग के साथ हर संदिग्ध पर पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, एलआईयू की पैनी नजर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने के लिए लंबी लाइन साफ तौर से इशारा कर रही है कि अभ्यर्थी लगातार यहां पर परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार लाइन में लगे हैं और तब को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है, आप कहां से आए हुए भैया? यादव, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर से आप आए? सेंटर आपने लखनऊ भरा था? नहीं सर, सेंटर नहीं भरा था। लखनऊ एग्जाम देने के लिए आप आए ना, तभी तो यहां सेंटर भरा हुआ है जी। क्या आपको लग रहा है, कैसी आप लोगों की तैयारी है और परीक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छी तैयारी है सर, पेपर अच्छे से हो रहा है। इससे पहले दो दिन की परीक्षा हुई है, लोगों से बातचीत हुई है, पेपर किस तरह से जा रहे हैं? अच्छा जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से आए हैं सर। कैसे देख रहे हैं इस परीक्षा को आप? परीक्षा को ठीक ही देख रहे हैं, तैयारी भी ठीक ठाक है। अब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो पता चलेगा। जिन लोगों के पेपर हुए हैं उनसे कुछ बात हुई है, पेपर किस तरह के आ रहे हैं? पेपर जो है ठीक आ रहा है, सिलेबस के आधार पर हो रहा है पेपर सब। किसी विशेष चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं? नहीं, जो भी है सब ठीक आ रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी हिसाब से आप देखें, आप कहाँ से हैं भैया? सुबह में आ दो, अंबेडकर नगर। कैसी तैयारी है आप? बढ़िया, बढ़िया तैयारी सर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? जी सर, एकदम तैयार है। तो कौन कौन से पोर्शन है जिन पे इस बार पेपर को ज्यादा फोकस किया गया, दो दिन की परीक्षाएं जो हुई उसके आधार पर? इसमें मैथ और रीजनिंग बढ़िया फोकस, मैथ के क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं पिछली बार की अपेक्षा। और जीएस के सवाल? जीएस के सवाल ठीक ठाक है। और अभ्यर्थी कुछ है मेरे साथ बात कर लेते हैं, कहाँ से भैया? सुल्तानपुर यूपी। क्या नाम है आपका? मोहित मिश्रा। क्या कहेंगे आप परीक्षा को लेकर के? सही है, अब तो देखने के बाद ही पता चलेगा जो होगा। ऑब्वियसली तैयारी कैसी है आप लोगों की? हाँ सही है। और देखिए साफ तौर से कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जो लगातार जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं भैया? बिहार, गया डिस्ट्रिक्ट। गया से आए? क्या नाम आपका? जय प्रकाश कुमार। किस तरह की तैयारी है आपकी? तैयारी देखिए, पेपर के मुताबिक ऐसे तो अच्छा है, पेपर देख बता सकते हैं ना। कौन कौन सा पार्ट आपने मजबूती से तैयार कर रखा है जी? आपको लगता है हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग? और रीजनिंग? रीजनिंग भी अच्छा है जी। दो दिन की परीक्षा हो चुकी है, लोगों से बात आप लोगों ने की होगी, किस तरह का फीडबैक आया है? अभी तो अच्छा लग रहा है जी। बिल्कुल साफ तौर से आप देखें, लंबी लाइन बढ़ती जा रही है क्योंकि 10 बजे से परीक्षा होनी है, तो ऐसे में तमाम लोग लाइन। आप कहाँ से हैं बाबू? अयोध्या से। अयोध्या से क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा। कितनी तैयारी आपने परीक्षा कर रखी है, कौन कौन से पार्ट मजबूत किए हैं आपने? सर तैयारी तो बल्कि ठीक ही है, परीक्षा के बाद ही पता चलेगा परिणाम। इससे पहले कोई कम्पिटेटिव एग्जाम और दिया आपने? नहीं सर, पहली परीक्षा आपकी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, गड़बड़ी की कोशिश के आरोप में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं और लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से 3, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा, मऊ से 2-2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आगरा, लखनऊ, महाराजगंज, ललितपुर, रायबरेली और फिरोजाबाद से 1-1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अभ्यर्थी, दलाल और सॉल्वर शामिल हैं। ये भी आरोप है कि कई अभ्यर्थियों ने उम्र कम कराने के लिए 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाई। वहीं नाम बदलकर उम्र कम कर हाई स्कूल पास करने का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने पर गिरफ्तारी की गई है। ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन के इस्तेमाल करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भीड़ हर जगह देखने को मिल रही है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी अभ्यर्थियों का मेला यहां पर लगा हुआ नजर आया। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जहां एक और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कमर कसी है, तो वहीं छात्रों का भी आना जारी है, क्योंकि 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त में ये परीक्षा होनी है। और 25 अगस्त की परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षार्थी हैं या स्टूडेंट्स हैं किस तरह यहाँ सेंट्रल स्टेशन पहुँच चुके हैं। अगर कानपुर के सेंट्रल स्टेशन की बात की जाए तो 25,000 से ज़्यादा यहाँ छात्र पहुँच चुके हैं और अपने क्योंकि सेंटर्स में इनको जाना है, तो इसलिए कानपुर के अगर होटल्स की बात की जाए तो होटल सारे फुल चल रहे हैं, लॉज, रेस्टोरेंट सारे फुल चल रहे हैं। और ऐसे में ये प्लेटफॉर्म ही इनके लिए एक ऐसा सहारा है जहाँ अपनी फैमिली के साथ, कोई भाई के साथ, कोई बहन के साथ, कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ मौजूद है और पूरी रात
अब क्योंकि देर रात हो चुकी है, लगभग 1:30 बजे का समय होने को है और कहा जाए तो ये रात, और ऐसे में जहाँ तक कैमरे की नज़र आ रही है, छात्र छात्र और छात्र यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो है परीक्षार्थी हैं, यहाँ मौजूद हैं और इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और PSC भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से इतने छात्र यहाँ एक साथ पहुँचे हैं, ये भी GRP के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको कैसे सुरक्षित रखें और यहाँ से वो कैसे अपने सेंटर जाएँ, क्योंकि दोबारा इनको 25 तारीख को फर्स्ट किसी की पहली पारी है, किसी की दूसरी पारी, और ऐसे में यहाँ से दूसरे ट्रेन के माध्यम उनको अपने डेस्टिनेशन पहुँचने का भी GRP इंतजाम कर रही है और रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन लगाई है और ऐसे में अभ्यर्थी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।